सभी किसान साथियों को नमस्कार, मैं सर्वेश बुंदेली और आज हम लोग हैं जीवी पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फिशरीज हैचरी सेंटर पे हम लोग हैं और हम लोग साथ हैं डॉक्टर अनूप सर, ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, और जिनसे हम जानेंगे कि जो मछली का बच्चा होता है उसको कैसे हैचरी में तैयार करते हैं और उसकी एक पूरी विस्तृत जानकारी सर से लेंगे। और जो हैचरी की ट्रेनिंग और मछली पालन की जो ट्रेनिंग जिस तरह से सर लोग देते हैं फार्मरों को और किस तरह से बीज उपलब्ध कराते हैं, उन सब विषय पे सर से जानेंगे। सर, किसान ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, मेरा पहला सवाल यही है कि ये जो यूनिवर्सिटी हैचरी का काम कर रही है तो हैचरी क्या है, पहले थोड़ा सा हमारे दर्शकों को और किसान साथियों को ये बता दें। बिल्कुल। तो ये एक शैक्षणिक मत्स्य फार्म है जिसमें किसानों को सहायता के लिए किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है, किसानों को मत्स्य बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। मत्स्य बीज कैसे तैयार किया जाता है, इसके लिए क्या क्या बेसिक सावधानी बरती जाती है, कैसे इसको इसके जो प्रजनक है उसको कैसे तैयार किया जाता है, तो हमारे पास लगभग ये 13 हेक्टेयर का फिश फार्म है मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय के पास। तो इसमें करते क्या है कि हमारे पास लगभग 5 हेक्टेयर में मछली पालन करते हैं जो कमर्शियल तौर पर किया जाता है, जिसमें हम मछली बेचते भी हैं और जो कंज्यूमर्स होते हैं वो अपना ले जाते हैं। तो जब हम जाल चलाते हैं तो जो अच्छे स्वस्थ और निरोगी प्रजनक होते हैं पर उनको हम अलग करते जाते हैं जिनका वजन 1 से 2 किलोग्राम का होता है। तो इस तरीके से हम पहले प्रजनक को उससे छांट लेते हैं, छांटने के बाद फिर हम उनको भोजन देते हैं। भोजन में क्या देते हैं, जैसे हम 40% सरसों की खली देते हैं, 40% हम राइस ब्रान देते हैं, 10% जो मोटा अनाज होता है मिलेट बोलते हैं, जैसे मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया या जौ हो गया, और 10% फिश मील। ये सब मिला के फिर हम उसको अपनी फीड मिल में उसका भोजन तैयार कर लेते हैं। वो हम प्रजनकों को या और भी जो मछली पालन कर रहे हैं उनमें हम उनको सबको खिलाते हैं, तो जिससे मछली की वृद्धि बढ़िया होती है। उसके बाद हम समय समय पर उसमें चूना अप्लाई करते हैं, जियोलाइट भी डालते हैं ताकि पानी में रोग ना रहे। उसके बाद जब इनका एक प्रजनन समय होता है, जैसे इस समय है हमारे पास 2 उन्नत प्रजातियां हैं, एक रोहू की जयंती और दूसरी कॉमन कार्प की आमुर कार्प। तो ये जो आमुर कार्प है ये लगभग फरवरी के लास्ट वीक से प्रजनन का समय आ जाता है। तो पहले हम इसका प्राकृतिक प्रजनन कराते हैं। प्राकृतिक प्रजनन में ये कराते हैं कि जैसे जो हमारे पास ये तालाब है बाहर संचय तालाब है जिसमें हम पानी में ऑक्सीजन घोलने के लिए एरेटर का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें हम एक हापा, बड़ा सा हापा बांध देते हैं। हापा बांधने के बाद उसमें क्या करते हैं कि हम प्रजनक जाल चला के प्रजनक जो अच्छे प्रजनक होते हैं उनको छांट लेते हैं। प्रजनक की पहचान कैसे करते हैं कि कौन नर है कौन मादा है, सबसे बड़ी समस्या ये आती है। तो नर और मादा की जब हम पहचान करते हैं तो नर मछली के लिए जो उसका पेक्टोरल फिन होता है, ये वाला जो पंखा होता है उसको हम छूते हैं ऐसे ऐसे, तो जब हम उसके पंखे को ऐसे ऐसे रगड़ के छूते हैं, अगर खुरदरा है तो वो नर है और चिकना है तो मादा है, तो पहली पहचान ये होती है। प्रजनन के समय में क्या होता है कि जो मादा होती है उसका जो पेट का पोर्शन होता है, बेली पोर्शन बोलते हैं, वो फूला हुआ होता है क्योंकि उसमें बहुत अंडे होते हैं, और नर की बाटी जो होती है सिलेंड्रिकल लंबी होती है, तो ऐसे भी पहचान लेते हैं। प्रजनन सीजन में तो आसानी से पहचान, लेकिन जब प्रजनन नहीं होता है जब उसके बाद तो दिक्कत आती है, तो हम पंखे से पहचानते हैं। तो हम ऐसे नर मादा को दूसरी चीज पहचानने के लिए क्या करते हैं कि परिपक्व है कि नहीं है। तो परिपक्वता को पहचानने के लिए क्या करते हैं कि हम उसको जो मेल है नर है उसको हल्का सा दाबते हैं तो उसमें मिल्ट निकलता है, जिसको हम सीमन या स्पर्म भी बोलते हैं लेकिन मछली में हम उसको मिल्ट बोलते हैं, तो वो दूध सा निकलेगा तो हम समझ जाते हैं कि मछली पूरी तैयार है। इसी तरीके से जो मादा मछली है उसका जो जेनाइटल पैपिला होता है जहाँ से अंडे देती है वो पूरा फूला हुआ लाल कलर का हो जाता है, तो एक पहचान ये होती है, हल्का सा हम उसको दाबेंगे तो एक आध अंडे निकलेंगे, तो हम जान जाते हैं कि मछली अंडे देने लायक है। तो उसको दोनों को बराबर बराबर मात्रा में ला के हम यहाँ संचय तालाब में हापा में रख देते हैं, उसके एरेटर भी चला देते हैं। उसके बाद घास होती है जली घास जी, जैसे वेलेसनेरिया होगा, पोटेमोजेटान हो गया, हाइड्रिला हो गया, तो ये घास भी डाल देते हैं उसको। घास का काम क्या होता है कि जब ये आमुर कार्प अंडे देती है अपनी तो ये घास में चपक जाते हैं, घास में जब चपक जाते हैं तो इन अंडों उसके बाद हम उस घास को इसमें हैचिंग टैंक में डाल देते हैं, यहाँ उसके बच्चे हो जाते हैं, उसमें अंडे चपक जाते हैं, फिर वो अंडे लगभग
30 घंटे में हैच हो जाते हैं, जिससे छोटा सा स्पान जिसे हम जीरा बोलते हैं, जीरा बच्चा पहला पैदा होता है। 3 दिन तक वो बच्चा हमारा हैचरी में रहेगा, क्योंकि 3 दिन तक वो अपना भोजन योग सैक जो होता है उससे करता है। उसके बाद 3 दिन बाद उसको प्राकृतिक भोजन की जरूरत होती है, तो हम नर्सरी तालाब तैयार करते हैं, उसमें प्लैंकटन तैयार करते हैं। प्लैंकटन जो इनका प्राकृतिक भोजन होता है, 2 तरीके के प्लैंकटन होते हैं, एक जंतु प्लवक और एक वनस्पतिक प्लवक। तो वनस्पतिक प्लवक सबसे पहले तैयार होते हैं, तो इसको तैयार करने के क्या ये करते हैं कि हम थोड़ा सा गोबर लेते हैं, उसमें सरसों की थोड़ी सी खली डालते हैं, थोड़ा सा गुड़ डालते हैं, और उसको 3-4 दिन तक पूरे टब एक टब लेते हैं, उसको 1/3 ये मटेरियल भरते हैं गोबर गुड़ ये, और पूरा फिर उसको पानी से भर देते हैं। पानी से भरने के बाद उसमें प्लैंकटन तैयार हो जाते हैं 8-10 दिन के अंदर। फिर वो हम उसमें नर्सरी तालाब में वो पानी डाल देते हैं, तो प्लैंकटन फिर भरपूर मात्रा में तैयार हो जाते हैं, तो वो फिर मछली का प्राकृतिक भोजन होता है बच्चों का। तो उससे फिर इसके बाद फिर क्या होता है कि जब बच्चा 1 महीने में लगभग फ्राई या फिंगरलिंग की आकार का हो जाता है, तो हमारे यहाँ किसान आते हैं, किसान पहले से ही अपनी डिमांड रखे रहते हैं, फिर हम उनको फोन करके बुला लेते हैं कि अब बच्चा आज हमारा निकलेगा, जिसको लेना हो तो ले ले आके, तो किसान आते हैं ले जाते हैं बच्चा। सर मेरा एक सवाल और है कि जो भी यहाँ पे जैसे हैचरी की अगर कोई किसान ट्रेनिंग लेना चाहता है, हाँ। कि कोई किसान है जो चाहता है कि मैं भी अपने फार्म में हैचरी शुरू करूँ, क्या उस तरह की आप लोग ट्रेनिंग भी उसे देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, 10 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें हम मछली पालन, मछली उत्पादन, मछली के उत्पाद बनाना, क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, मछली के बच्चे कैसे पैदा किया, आदि विषयों पर हम 10 दिन की उनको प्रशिक्षण देते हैं। तो लगभग हमारे यहाँ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के सबसे ज़्यादा किसान आते हैं, तो हमारा जो मछली का बच्चा है वो भी ले जाते हैं, ट्रेनिंग करने के बाद वो ले जाते हैं यहाँ से, क्योंकि उन्नत वैरायटी है तो उनको वहाँ मिलता नहीं है, तो हमारे यहाँ से बच्चे भी ले जाते हैं। और हमारा आमोद कार्प और कतला का बच्चा बहुत ज़्यादा मात्रा में बिहार वाले ले जाते हैं, तो उनको बताना भी पड़ता है कैसे पैकिंग की जाती है, कैसे हम उनको सहूलियत दे के ताकि उनका बच्चा वहाँ तक पहुँच जाए, तो ये सारी सुविधाएँ हम उनको प्रदान करते हैं। सर हैचरी में जब प्रजनक जो नर और मादा होते हैं, वहाँ से निकालने से लेकर और हैचरी पूरा तैयार करने तक किसान साथियों को किन किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए? सबसे पहली चीज ये होती है कि प्रजनक को तैयार करना। प्रजनक तैयार करने के लिए जो भी आपके पास तालाब में पालन कर रहे हैं, उसमें जो स्वस्थ मछली है उसको एक अलग तालाब में रखते जाते हैं। अलग तालाब में रखने के बाद उसको अच्छे भोजन पानी की व्यवस्था करते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं कि जब मछली का सीजन हम पहचान लेते हैं कि मछली कब अंडे देने वाली है, कब उसका प्रजनन होता है, तो ये मानसून सीजन में जो और मछली है वो मानसून सीजन में अंडे देती हैं। ये सबसे पहले आमद कार्प भी अंडे देना शुरू करती है हमारे मैदानी क्षेत्र में। तो हम फरवरी के लास्ट वीक में हम ऑब्जर्व करते हैं मछली को। जब मछली चलने लगती है जहाँ घास होती है, मछली जब वहाँ उथल पुथल मचाती है, तो हम समझ जाते हैं कि अब ये अंडे देने वाली है, तो हम उनको फिर बाहर निकाल लेते हैं। फिर निकालने के बाद हम ये जो प्रजनन तरीका आपको बताया इस तरीके से, ये एक मेन होता है। इसके बाद फिर अप्रैल मई के महीने में ग्रास कार्प और सिल्वर कार्प वो अंडे देती है, उसका कृत्रिम प्रजनन कराते हैं हम लोग। उसमें हम इंजेक्शन देते हैं मछली को, तो नर और मादा मछली को पहचानने के बाद पहले उनको लाते हैं, हम एक्लेमेटाइज करते हैं। एक्लेमेटाइज करने के, जैसे ये तालाब है हमारा, ये छोटा सा टैंक है, इसमें मछली को रख दिए, ऊपर से जैसे फव्वारा चल रहा है ऐसे फव्वारा लगा देते हैं, ताकि मछली को बरसात का एहसास हो। जब उसे बरसात का एहसास होता है तो मछली जल्दी और परिपक्व हो जाती है अंडे देने के लिए। उसके बाद फिर हम जैसे सुबह हमने 10 बजे इसमें मछली एक्लेमेटाइज कर रख दिया, तो 5-6 घंटे बाद हम उसको इंजेक्शन देते हैं। इंजेक्शन होता है वो हार्मोन इंजेक्शन होता है, GnRH और GTH का, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का मिक्सचर होता है, उसको देते हैं। उसको देने से मछली तुरंत अंडे, इंजेक्शन लगाने के बाद 10 से 12 घंटे बाद अंडे दे देती है वो। फिर उसके अंडे हम इसी तरीके से हैच करते हैं, फिर उसमें जीरा पैदा होता है, फिर उसको प्राकृतिक भोजन की जरूरत होती है, फिर हम नर्सरी में उसको ट्रांसफर करते हैं। तो अप्रैल के महीने में एक सिल्वर कार्प और ग्रास कार्प की हम प्रजनन कराते हैं। मई जून जुलाई अगस्त तक फिर हम रोहू कतला नयन की इसी तरीके से प्रजनन कराते हैं। तो 6 प्रजातियों का, क्योंकि हमारे मैदानी क्षेत्रों में यही 6 प्रजातियां ज़्यादा पाली जाती हैं, तो उनका हम प्रजनन
करा के उनको बच्चे उपलब्ध कराते हैं। तो ये हम लोग साथ डॉक्टर अनूप सचान थे जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं फिशरीज डिपार्टमेंट के, और जिन्होंने हैचरी के बारे में हम लोगों को पूरी एक जानकारी दी है कि जो मछलियों का तालाब होता है वहाँ से प्रजनक जो नर मादा होते हैं उन्हें निकालने से लेकर, और पूरा एक प्रक्रिया बताया कि किस तरीके से जो किसान साथी हैं जो दर्शक हैं वो किस तरह से अपने फार्म पे भी कर सकते हैं, हैचरी तैयार कर सकते हैं मछलियों की। और सर जैसे बताए कि इनका संस्थान यहाँ पे ये लोग 10 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाते हैं जिसमें मछली पालन से लेकर और हैचरी तक की पूरी विस्तृत जानकारी देते हैं। और सर ने बताया कि उत्तर प्रदेश बिहार और विभिन्न राज्यों से लोग यहाँ पे आके प्रशिक्षण लेते हैं और यहाँ से बच्चे ले जाते हैं। सर आप किसान ऑफ इंडिया के साथ जुड़े, हमारे किसान साथियों को इतनी अच्छी जानकारी दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। किसान ऑफ इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं, और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।